हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल खट्टा मीठा सीरा बनाना बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं हम। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए 3 बड़े साइज़ के आम लिया है। इसे बनाने के लिए आप कच्चे आम का यूज़ करें और ऐसा आम यूज़ करें जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पल्प निकले। इनका सारे सभी आमों का आप छिलका निकाल लें। इस तरीके से सारे छिलके आम के निकाल दिया है और इसमें ज़्यादा अमाउंट में पल्प निकलेगा। आप इसको आप बड़े बड़े स्लाइस में काट लें। इस तरीके से छोटा बड़ा आप कैसे भी काट सकते हैं, जैसा आप काटना चाहते हैं। ये देखने में अलग ही समझ में आ रहा होगा, ये मोटा दिख रहा है यानी कि इसमें ज़्यादा पल्प निकलेगा। आप कढ़ाई में आप लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी ले लें और पानी को हल्का गर्म हो जाने दें। उसके बाद ये कटे हुए आम को इसमें ऐड कर दें। आम को लगभग 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है क्योंकि इस आम में अंदर से जाली आ गई है, तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और पानी में हल्का सा जब इसको उबाल लेते हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा खट्टापन है वो निकल जाता है, क्योंकि बड़े आम बहुत ही ज़्यादा खट्टे रहते हैं। 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद इसको पानी से निकाल लिया है। किसी भी जालीदार स्टैंड में निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी अलग हो जाए। अब हम चाशनी बनाते हैं। गुड़ और चीनी की चाशनी बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में आप 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दें। पानी को गर्म हो जाने दें और इसमें 1 कप गुड़ ऐड कर दें। ये देसी गुड़ है इसलिए जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है, इसलिए बड़े बड़े स्लाइस में काटा है। और 1/2 कप चीनी ऐड कर दें और इसे स्पून की हेल्प से चला दें ताकि ये नीचे से बैठ ना पाए। यदि आपका गुड़ जल्दी मेल्ट नहीं होता है, हार्ड है, तो आप इसको और बारीक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। बीच बीच में इसे स्पून की हेल्प से चलाते जाएं। लगभग 10 से 12 मिनट में तेज फ्लेम में पकाएंगे तो ये हमारी चाशनी बनकर रेडी हो जाती है। बीच बीच में आप चेक करते जाएं ये गाढ़ी हुई है कि नहीं। यदि गाढ़ी नहीं हुई है तो आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे और पकाएं, जब तक हम दूसरे मसाले की तैयारी करते हैं। मसाला तैयार किया है हमने, 4 से 5 लौंग ले लिया है और 1 कढ़ाई में 1 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी को गर्म हो जाने दें। ये जब घी गर्म हो जाए तब इसमें 4 से 5 लौंग को ऐड कर दें और 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर दें इस घी में। इस तरीके से तड़का लगाते हैं तो हमारा सीरा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये जो हमने हल्का सा पका लिया है इस आम को इसमें ऐड कर दें जो हमने आम को उबाल के रखा हुआ था। और ये एक साइड हमारी चाशनी भी बनकर रेडी होती जा रही है। बीच बीच में इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा ये पहले से ही ऑलरेडी ये पक चुके हैं। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक ही इसको घी में फ्राई करें और ये हमारी चाशनी एक साइड रेडी हो चुकी है स्पून की हेल्प से। ये देखिए स्पून से हम गिरा रहे हैं तो ये चाशनी आसानी से नीचे नहीं गिर रही है, अलग ही समझ में आ रहा है। ये गाढ़ी हो चुकी हमारी चाशनी, एक तार की हमारी चाशनी बनकर रेडी है। गैस का फ्लेम चाशनी वाला ऑफ कर दिया है और इस चाशनी को, इस आम को जो फ्राई किया था उसके साथ ऐड कर देते हैं। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकाएं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। और फ्रेंड्स, ये आप इसे रोटी या पूड़ी के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। इसको पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे लगभग 6 से 7 घंटे के लिए ठंडा होने दें। जितना ज़्यादा ये ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद आप इसको खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता खाने में। गरम गरम में उतना स्वादिष्ट तो नहीं लगता है जितना अच्छा ठंडा होने के बाद लगता है। अब इसे हम एक बड़े बाउल में अलग कर देते हैं और इसे फ्रिज में स्टोर कर देते हैं।
ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उसके बाद ये गाढ़ा हो जाता है। फिर आप इसे ठंडा होने के बाद खाएं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।